चन्ना मेरे यहाँ जिसको मिला गाना ही गा लो सबके घर बैठे तो फिर पाँच जुलाई को मतलब ये वाला था सही भूख को मारेगा आप चलो मार कंग्रेचुलेशन गाइस अरे हाँ खाली ये चेयर्स कर लेते नहीं सर ये इतने में सारे सब लोग हैं नहीं इसने पहले ऐसे तो सब खुश थे उसको काट दिया इतना ही आ रहा हमारे लिए वेरी अनएक्सपेक्टेड ऑनेस्टली दैट यू नो हम रोज ट्रेंड कर रहे हैं बट बहुत ही खुशी मिल रही है और ऐसा मतलब बहुत जल्दी टाइम चला गया और ऐसे 50 एपिसोड्स हो गए जल्दी नहीं चला गया टाइम शो 5-6 दिन हो गए इसलिए जल्दी लग रहा है हाँ बट अगेन कहते ना अच्छा समय जल्दी चला जाता है तो आई एम होपिंग कि इसी तरह यू नो ये चलता रहे और हम 50-500 तक की जर्नी भी इसी तरह स्मूथली कर ले यार इट्स जस्ट ओवरवेलमिंग थैंक यू सो मच सबको आज सुबह से सबको सबके मैसेजेस आ रहे हैं ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर एल्स एंड आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटीफुल 50 हो 100 हो 500 हो आई थिंक टिल द टाइम यू गेट द लव एंड अफेक्शन ऑफ पीपल एंड द मैसेजेस एटलीस्ट यू नो व्हाट आई एम हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि पीपल हु आर वॉचिंग द शो जो फैंस हैं जो डेडिकेटेड लोग हैं वो अपने थॉट्स भेजते हैं अबाउट सीन्स अबाउट एपिसोड्स अपना फीडबैक भेजते हैं कभी अच्छा होता है कभी क्रिटिसिज्म होता है बट इट्स सो गुड बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांटेड टू बोथ ऑफ अस एक्चुअली यू नो वी आर वेरी फॉन्ड व्हेन पीपल एंड ऑडियंसेस आर इन्वॉल्वड इन आवर सीन्स सो हमें तो ये जानकर और देखकर बहुत खुशी मिलती है And मैंने ना अभी एक्चुअली सोशल मीडिया पे डाला कि आर रोमांस इज ओल्ड स्कूल वी स्टार्ट एट 50 सो इट्स फन बिकॉज आई थिंक बहुत टाइम से ऑब्वियसली यू नो ऑन अ शो व्हेन यू शो द फैक्ट दैट आपके दोनों प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं जो एक बहुत ही कॉमन फीचर है लेकिन देन यू हैव टू एलैबोरेट दैट स्टोरी टू यू नो फॉर देम टू कम टुगेदर एंड आई गेस नाउ इट्स अ वेरी डिफरेंट फेज जो जिस फेज की हमने एक लास्ट प्रेस कॉन में बात की थी जो स्टार भारत का प्रेस कॉन था अबाउट रोमांस एंड द इंक्लूसिवनेस ऑफ रोमांस एंड रोमांस कैन बी डिफरेंट सो आई फील वील ट्राई वी आर प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स दिस टाइम वील ट्राई टू यू नो होपफुली क्रिएट समथिंग डिफरेंट बिल्कुल नहीं है यार मैं ये इसका कमरा इसलिए इस साइड रखा गया है मेरा कमरा उस साइड रखा गया है हम एक दूसरे को देख के लड़ने लगते हैं द मेकर्स हैव मेड श्योर दैट वी लिव पोल्स अपार्ट एंड हम ताकि ज़्यादा बात ना करें क्योंकि आपने देखा ना हम कैसे हैं अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था ना तो इसलिए इट्स स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये मेरे सरहद पर नहीं आ सकती और मैं इनके सरहद पर नहीं जा सकता बताइए आप इन्होंने जो भी अभी कहा वो 16 ने सच था क्या मैं आपको बताना चाहूंगा ये इतनी डेडिकेटेड एक्टर हैं कि इनके अंदर गिन्नी कूट कूट के भर चुकी है 16 आने व्हाट व्हाटएवर आई डोंट नो इफ दैट इज राइट और नॉट इट इज राइट बट ओके प्लीज यार प्लीज कम बट सी दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड दैट यू आर सेइंग यू नो
इट इज़ वेरी ऑर्गेनिक. हम जो भी बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर या तो हंसते हैं या तो यू नो. सो इट इज या इट इज इट इज व्हाट इट इज. बताओ व्हाट इट इज. बताओ इट इज. ये तेरा जो इट इज है ना उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क लगा के उसको बना देंगे मार्केटिंग कि व्हाट इट इज. या गेस व्हाट इट इज. ये वायरल करवाएगी हमारे पास. गेस व्हाट इट इज. यही कि आप जिस रोमांस का इतना वेट कर रहे थे वो अभी शुरू होने वाली है. सो वी आर वेरी एक्साइटेड ऑनेस्टली बिकॉज यू नो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि हम जो भी सीन्स परफॉर्म करें उसमें हम हमारा फ्लेवर यू नो डालें एंड वी ट्राई एंड मेक इट वेरी रिलेटेबल. सो दैट विल बी आर. आई एम जस्ट होपिंग बिकॉज अभी थोड़ा रोमांस हो रहा है ना तो आई एम जस्ट होपिंग देयर विल बी अ लॉट ऑफ कुकिंग सीन्स. Because I think I missed that the most for the last few episodes. I missed that because thoda drama tha hamare show. But I think drama around cooking would be really really cute and romantic. So I feel personally mujhe I'm very excited because I get really hamare mere aur jo Niyati ke scenes hote hain we put so much effort into it. To bahut maza aata hai inke sath kaam karke. So I think the more scenes they'll be there, the more fun we'll have.